जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और आज का जो विषय है पिछला जन्म क्यों भूल गए पिछला जन्म क्यों भूल गए हम अपना पिछला जन्म हमें स्मरण क्यों नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या थे और क्या नहीं थे कौन हमारे साथ था कौन हमारे साथ नहीं था कौन हमारे साथ था और कौन हमारे साथ नहीं था हम क्यों अपने पिछले जन्म को भूल जाया करते हैं कुछ लोगों का कहना है कि भाई भगवान भुला देते हैं परमात्मा ने हमें अपना पिछला जन्म हमारी मेमोरी इरेज कर दिया और हमें पिछला जन्म भुला दिया ताकि हम उन आसक्तियों से ना उलझे उनमें उनसे हम बच जाएं उनमें हम उलझे नहीं और हमें पुरानी बातें याद ना रहें क्योंकि जितनी पुरानी बातें याद रहेंगी हम दुखी होंगे लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पुरानी बातों में कुछ अच्छी बातें भी हों तो कुछ लोगों का उत्तर यह है कि परमात्मा ने पिछला जन्म जो है हमारा भुला दिया और हम पिछले जन्म को भूल चुके हैं क्या यही सत्य है लेकिन एक द्वंद खड़ा हो जाएगा अगर हम ये मान लें कि परमात्मा ने ईश्वर ने ऐसा कर दिया कि उसने हमारा अपना पिछला जन्म जो था वो इरेज कर दिया उसकी मेमोरी इरेज कर दी उसकी स्मृति हटा दी अगर ऐसा है अगर यही इस प्रश्न का उत्तर है तो द्वंद्व क्या खड़ा होगा यहां पर द्वंद आएगा द्वंद पहले तो ये आएगा कि क्या ईश्वर करता है जब वह परमात्मा कर्म कर्म फल और कर्तापन में कोई संयोग नहीं देता सम्मिलित नहीं होता इसमें ना ही कर्म में ना कर्म फल में और कर्ता में इनका संयोग नहीं बनाता तो वो भला आपकी स्मृति को क्यों खत्म करेगा आपकी मेमोरी को क्यों इरेज करेगा क्यों पिछला जन्म भुला देगा ऐसा तो नहीं होना चाहिए था क्या सचमुच परमात्मा ने ही ऐसा कर दिया कि हम अपने पिछले जन्म को याद ही नहीं रखते भूल जाया करते हैं तो देखिए अगर हम अपने शास्त्रों पर जाएं तो ये सारी गतिविधियां प्रकृति के अंतर्गत आएंगी परमात्मा का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं है आपका जन्म लेना मृत्यु को प्राप्त होना आपका आपको कुछ बातें याद रखना भूल जाना इसमें परमात्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है परमात्मा इन सब विषयों में हस्तक्षेप नहीं करता है परमात्मा इन सब विषयों में आपको परेशान नहीं करता है और ना ही कोई इनाम देता है ना ही कोई दंड देता है मनुष्य अपने ही कर्मों से कर्म फल के रूप में इनाम पाता है और कर्म फल के रूप में दंड भी पा लेता है तो परमात्मा को दोषी ठहराना या परमात्मा के लिए यह कहना कि उसने ऐसा कर दिया भगवान ने हमारी सारी मेमोरी इरेज कर दी जिससे कि हमारा पिछला जन्म हमको याद ही नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं है मन के रहस्य को समझने की आवश्यकता है महर्षि पतंजलि ने पंच वृत्तियों में पांच प्रकार की वृत्तियां बताई हैं प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृतिय पांच प्रकार की वृत्तियां बताई हैं प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृत अर्थात प्रमाण है विकल्प है विप्रय है निद्रा है और स्मृति है ये पंच वृत्तियां योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताई है जी तो प्रमाण आधारित है प्रमाण पर जो हम प्रत्यक्ष करते हैं जिसका प्रत्यक्षीकरण होता है विकल्प जो कि कल्पना पर विप्रय जो कि मिथ्या है और फिर स्मृति जो कि पीछे है और निद्रा के बाद आती है स्मृति पहले निद्रा है और निद्रा के बाद स्मृति अब ये निद्रा क्या है थॉट ऑफ नथिंगनेस वेव ऑफ नथिंगनेस एक ऐसी वृत्ति है जिसमें बाकी दूसरी वृत्तियों का अभाव हो जाता है अर्थात जब निद्रा वृत्ति चलती है तो उसमें न प्रमाण वृत्ति चलती है ना विकल्प चलता है ना विपरय चलता है और ना ही स्मृति चल सकती है हां निद्रा के अंदर स्वप्न रूपी तरंगे जरूर थोड़ी सी चलती हैं लेकिन वह भी स्वप्न और सुषुप्ति दो तरंगे चलती हैं स्वप्न और सुषुप्ति निद्रा में निद्रा में दो तरंगे चलती हैं स्वप्न और सुषुप्ति तो स्वप्न है और सुषुप्ति है या तो स्वप्न चलेगी सुषुप्ति चलेगी लेकिन जब सुषुप्ति आ जाएगी तो फिर आपको दूसरी कोई वृत्ति उस समय नहीं चल रही होती बस एक ही वृत्ति चलती है वो है सुषुप्ति अर्थात निद्रा जी हां निद्रा भी वृत्ति है ये ध्यान रखिएगा निद्रा कोई समाधि की अवस्था नहीं है इसीलिए योग सूत्र को समझना चाहिए निद्रा कोई समाधि नहीं है निद्रा क्या है निद्रा एक वृत्ति है वो भी एक प्रकार का तरंग है वो भी एक प्रकार का थॉट वेव है लेकिन जब वो चलता है तो अन्य वृत्तियां अन्य वृत्तियों को बाधित कर देता है अन्य वृत्तियों को स्थगित कर दिया जाता है अब उसमें जो कुछ वृत्तियां हैं प्रत्यक्ष है प्रमाण है, है विप्रय है विकल्प है ये तो आपकी बौद्धिक अवस्था पे निर्भर करती हैं कि आपकी बौद्धिक अवस्था किस में है तो प्रत्यक्ष या प्रमाण प्रमाण या विप्रय या विकल्प की वृत्ति चलेगी लेकिन जो स्मृति है स्मृति है वो आपके पूर्व अनुभवों पे निर्भर करती है कि आपने पिछले जन्मों पिछले समय में जो कर्म किए हैं जो कार्य किए हैं या जिन लोगों से आप मिले हैं उनकी स्मृति रह जाती है उनका इंप्रेशन आपके ब्रेन पर आपके मस्तिष्क पर आपके चित्त पर उनका इंप्रेशन रह जाएगा और जब आप उनसे दोबारा मिलते हैं तो आपको स्मृति बताएगी कि हाँ इनसे हम मिल चुके हैं तो स्मृति रूपी वृत्ति भी चलती है लेकिन जब निद्रा की वृत्ति चलती है तो उस समय एक घटना घटती है और यह साइंटिफिकली प्रूव हो गया है साइकोलॉजिस्ट ने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने इस फैक्ट को प्रूव किया है कि जी हाँ पहली बात तो ये प्रूव किया है कि स्लिप इज अल्सो ए थॉट वेव स्लिप इज अल्सो ए थॉट वेव पता नहीं कोई ऐसी कोई कोई गुरुजी हैं कोई संस्था के कुछ लोग हैं जो बताते हैं कि नहीं जो सुषुप्ति अवस्था है वह तुरिया अवस्था से पहले की अवस्था उसके बाद तुरिया अवस्था आएगी इसका मतलब तुरिया अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें गहरी नींद में जाना चाहिए फिर नहीं ध्यान करना पड़ता है कभी भी आप ध्यान की जो चित्त वृत्ति निरोध है उसको कभी निद्रा से मत जोड़िए निद्रा एक वृत्ति है ना कि निद्रा कोई समाधि की अवस्था समाधि की अवस्था सचेत अवस्था में होती है सचेतन उसमें चेतनता रहती है अवचेतनता नहीं आती है लेकिन निद्रा में अवचेतनता आ जाती है अवचेतन की अवस्था में आप चले जाते हैं स्वप्न और सुषुप्ति दो तरंगे चलती हैं निद्रा में तो यह एक वृत्ति है निद्रा एक वृत्ति है ना कि यह कोई उपलब्धि है, तो है।, है, हाँ, उस है, है, है।, है उसे थॉट ऑफ नथिंगनेस कहा जाता है अर्थात जब निद्रा वृत्ति चलेगी तो अन्य वृत्तियों का प्रतिबंध होगा अन्य वृत्तियों का बाध कर दिया जाएगा उन्हें रोक दिया जाएगा तो निद्रा वृत्ति में शक्ति है कि वो अन्य वृत्तियों का बाध कर दे तो सबका बाध कर देती है लेकिन बौद्धिक अवस्था पर निर्भर करेगा प्रमाण विप्रय विकल्प और स्मृति पूर्व अनुभूतियों पर तो अब होता क्या है जब अब हम अपने प्रीवियस बर्थ को भूल जाते हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया कि स्टेट ऑफ स्लिप के ऊपर नींद के ऊपर उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं उन्होंने रिसर्च कर, कर यह बात निकाली कि वास्तव में हमें अपना प्रीवियस बर्थ या बहुत सारी बातें जो याद नहीं है वो भगवान ने भुला दी है ऐसी कोई बात नहीं है जब भी हम सो जाते हैं और सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं तो उस समय एक घटना घटती है क्या घटना घटती है कि हमारी मेमोरी फेड हो जाती है फेड होती रहती है होती रहती है होती रहती है जी हां अगर कल रात आप अच्छी नींद सोए गहरे नींद में सोए हो तो आपकी बहुत सारी मेमोरी फेड हो गई यहां तक कि कल की बातें भी फेड हो चुकी हैं अगर आपसे पूछ दिया जाए आप पिछले जन्म की बात करते हो कि हम अपना पिछला जन्म भी भूल चुके हम अपना पिछला जन्म भूल चुके हम ये बात करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है आप कल की बात याद कीजिए कि कल किस टाइम पर आपने क्या किया था आपको हंड्रेड परसेंट तो कल की बात भी याद नहीं होगी हंड्रेड परसेंट आपको कल की बात भी याद नहीं होगी कि कल आपने सुबह उठा कितने बजे उठे पहला कौन सा पैर बेड से नीचे रखा या किस किस पैर पे कितने बजे ब्रश किए कितनी देर तक ब्रश किए बहुत सारी बातें आपको कल की भी याद नहीं होंगी आप पिछले जन्म का छोड़ दीजिए दो दिन पहले की बहुत सारी बातें याद नहीं होंगी दस दिन पहले साल भर पहले कि मुख्य मुख्य घटनाएं ही याद होंगी कि पिछले साल आपने कौन कौन सा कार्य किया था पिछले साल अगर मैं पूछूं कि आज की डेट पर 20 जून को पिछले वर्ष में क्या खाना खाया था याद है आपको 20 जून को पिछले वर्ष में आपने क्या खाना खाया था कौन सी सब्जी खाई थी क्या याद है आपको आपको याद नहीं होगा एक मेमोरी फेड होने का एक प्रोसेस रेगुलर चलता रहता है चलता रहता है जब भी हम सोते हैं और हम सोएंगे नहीं तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते क्योंकि तो सोते समय ऐसे हॉमोन्स डेवलप होते हैं हमारी बॉडी में जो हमें हेल्दी रखते हैं हमें एनर्जेटिक रखते हैं हमें चार्ज रखते हैं तो नींद भी जरूरी है लेकिन जब भी हम डीप स्लीप में जाते हैं हमारी मेमोरी फेड हो जाती है थोड़ी थोड़ी मेमोरी फेड होते जाती है फेड होते जाती है फेड होते जाती है और जो जितनी पुरानी होती है उतना हमें कम याद होता है खासकर उस उम्र की बातें हमें कम याद होती हैं जब हम बहुत ज्यादा सो रहे होते हैं खास करके नवजात शिशु छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं इन्फेंट्स जो हैं न्यूली बॉर्न बेबी जब पांच वर्ष की उम्र तक बच्चे ज्यादा सोते हैं जो तो बहुत छोटे बच्चे हैं साल भर के हैं वो तो बारह बारह घंटे पंद्रह पंद्रह घंटे भी सो लेते हैं बड़े होते हैं नींद थोड़ी कम होती है लेकिन फिर भी पाँच वर्ष तक छोटे बच्चे जो है बहुत सोने का काम ज़्यादा करते हैं। और डिप स्लिप में जाते हैं सोते हैं तो मेमोरीज फेड होती हैं और उस समय की बातें हमें और कम याद होती हैं और रही बात पिछले जन्म की बातों की तो पिछले जन्म की बातें तो ना जाने फेड होते 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 हम इस अवस्था में आ गए हैं कि वो बातें हमको याद ही नहीं है लेकिन हम ये कहें कि, कि किसी भगवान ने इरेज कर दिया भगवान ने भुलवा दिया तो ये तो एक बस आपको रिसर्च नहीं करना है तो वहां आप गॉड को ले आओगे जहां आपको नहीं समझना है वहां आप गॉड को हम गॉड को ले आएंगे भाई गॉड ने ये कर दिया भगवान ने ये कर दिया ठीक है और जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वास्तव में घटना क्या घट रही है वास्तव में घटना क्या घट रही है तो घटना यह घट रही है कि जब भी आप डीप स्लिप में जाते हैं आपकी मेमोरी फेड हो जाती है और फेड होते 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 बहुत सारी बातें आप भूलते जाते हैं भूलते जाते हैं भूलते जाते हैं फिर जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आप भूल जाते हैं बहुत सालों बाद आप मूव ऑन कर जाते हैं मूव ऑन अगर प्रकृति का यह सिद्धांत है अगर ऐसा हमारा माइंड काम ना करे हर बात को याद रखे तो शायद लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी ये बात सही है लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी अगर हम हर बात को रटके रखें याद करके रखें मेमोराइज करके रखें और कई लोग तो बिना अपने मन मर्जी से ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं पकाते रहते हैं अपने दिमाग में ये ऐसा वो ऐसा ऐसा हुआ वैसा हुआ इस पे ट्रस्ट करो ना करो ऐसा करो बहुत तरह की बातें अपने ही विचारों से परेशान रहते हैं और अपना ही नुकसान करते रहते हैं तो बहुत कुछ याद रख कर भी कुछ मिलना नहीं है कोई लाभ नहीं मिलने वाला है तो मेमोरी फेड होने की अपना एक प्रोसेस है वो प्रोसेस चलता रहता है सच पूछो तो इस थ्योरी के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है हॉलीवुड में कि हमारी मेमोरी फेड होती रहती है फेड होती रहती है फेड होती रहती है कब फेड होती है जब हम डीप स्लीप में जाते हैं जब हम गहरी निद्रा में जाते हैं तो हमारी जो मेमोरी है वो फेड होती रहती है और फेड होते 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 फिर हमें अपना पिछला जन्म भी याद नहीं है लेकिन अब एक दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या हमारा जो पिछला जन्म है या आज तक हमने जो भी कार्य किए हैं जो कुछ भी किया है क्या उसका डाटा हमारे चित्त में स्टोर है हमारे कॉन्शियसनेस में हमारे कौन साइंस में क्या उसका डाटा है कि नहीं है चलो फेड हुई है ना इरेज तो नहीं हुई है दो वर्ड हैं फेड होना और इरेज होना इरेज मतलब मिटा दो इरेजर होता है ना बच्चे पेंसिल से लिखते हैं इरेजर से मिटा देते हैं मिटा देना मतलब इरेज कर दिया रिमूव कर दिया बिल्कुल हटा दिया और दूसरा एक वर्ड है फेड करना फेड करना मतलब कि वो है लेकिन अब वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा फेड हो गया है जैसे कोई चित्र हो फेड सा हो, तो हम कहेंगे भाई बहुत क्लियर विजन नहीं है। विज़न बहुत क्लियर नहीं होगा तो हम बोलेंगे ब्लर है फेड है किसी का चेहरा बहुत उदास सा दिखाई दे रहा हो बोलेंगे फेड है, तुम्हारे चेहरे पर तो बड़ा चमक दिखाई देता था फेड सा दिख रहा है अब ऐसा क्यों हो रहा है तू? मेमोरी क्या होती है हमारी जो स्मृति है वो फेड होती है इरेज नहीं होती है ध्यान रखिएगा तो ये जो हम कहते हैं कि भगवान ने सारी मेमोरी हमारी खत्म कर दी मिटा दी ये अच्छा किया कोई मिटा नहीं है कुछ भी नहीं मिटा है सब अपनी जगह पर है आपकी चेतना में सब है आपके जितने भी पिछले जन्म हो चुके हैं हो चुके हैं वो सब आपके चित्त में है आपके जितने भी पिछले जन्म हो चुके हैं वो सब के सब आपके चित्त में है विराजमान है वो इरेज नहीं हुआ है वह मिटा नहीं है ध्यान रखिएगा और ना किसी भगवान ने उसे मिटाया है वह एक नेचुरल प्रोसेस है जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो हमारी मेमोरी फेड होते रहती है होते रहती है होते रहती है और ज्यादा हम सोएंगे तो ज्यादा फेड होगी मेमोरी ज्यादा फेड होगी फिर और आप अपना पिछला जन्म भी भूल जाते हैं अपने बचपन की बातें भी भूल जाते हैं पांच साल की उम्र के जब आप थे उससे पहले की बातें कम याद होंगी दो साल में आपने क्या क्या किया था जब आपकी उम्र दो साल की थी तो आपने क्या क्या किया था तीन साल की थी तो आपने क्या क्या किया था कहां कहां घूमे थे याद है क्या याद है क्या ठीक जब वो याद नहीं है तो याद क्यों नहीं है क्योंकि मेमोरी फेड होती रही और मेमोरी फेड होने के कारण हमें याद नहीं है लेकिन फेड ही तो हुई है ना प्रश्न है कि फेड हुई है तो क्या याद किया जा सकता है क्या उस याद को लाया जा सकता है क्या हम अपने पिछले जन्म को देख सकते हैं जी हां आप अपनी मेमोरी की फेडनेस को दूर करना शुरू कीजिए पेड़ ही तो हुई है ना उसकी सफाई कीजिए खुरे दिए उसको याद बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आप अपना पूर्व जन्म भी जान सकते हैं आप अपना पूर्व जन्म भी जान सकते हैं फोकस करने की जरूरत है एकाग्रता की आवश्यकता है आप आप जब अपने ध्यान शक्ति को विकसित करेंगे जब आप अपनी एकाग्रता को विकसित करेंगे जब आप अपनी एकाग्रता की शक्ति ध्यान शक्ति फोकस को जब आप डेवलप करेंगे तो आप अपने पिछले जन्मों को भी जान जाएंगे और फिर पता चलेगा कि इस जन्म में भी आप कई ऐसे लोगों के साथ मिलते जुलते और ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो पिछले जन्म में भी आपके साथ थे उनका कार्मिक कनेक्शन आपके साथ है उनका कार्मिक कनेक्शन भी आपके साथ है और आप उन्हीं के बीच में हैं वो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं इसी जन्म में कुछ ना कुछ कर्मों का लेन देन कर रहे होंगे तो पिछले जन्म को भी जाना जा सकता है अगर अपनी ध्यान शक्ति को विकसित किया जाए अगर अपनी चेतना में की गहराई में उतरा जाए अपने सबकॉन्शियस में उतरा जाए अवचेतन में उतरा जाए वहां मेमोरी फेड हो जाती है अवचेतन में चला जाता है तो आप जान भी सकते हैं अपने पिछले जन्मों को देख भी सकते हैं थोड़े से प्रयास में बहुत बड़ा भी प्रयास नहीं करना पड़ता कोशिश की जा सकती है लेकिन अब एक प्रश्न है कि क्या हमें अपना पिछला जन्म जानना चाहिए जानना अच्छा होगा कोई मतलब नहीं उसका सत्य तो पूछिए तो आपके अपने प्रीवियस बर्थ को जानने का कोई स्पेशल मीनिंग उससे निकलने वाला नहीं है घुमा फिरा कर यही दिखेगा आपने क्या किया था आहार निद्रा भय मैथुन यही सब कर रहे थे जीव भला करेगा तो क्या करेगा यही सब करेगा यही सब कर रहे थे तो यह हमें समझना पड़ेगा तो मेमोरी हमारी फेड होती है इसीलिए हम पिछले जन्म को भूल जाते हैं लेकिन हम उसे याद नहीं कर सकते या सामने नहीं ला सकते ऐसा नहीं है सामने आ सकता है अगर हम वैसी साधना करें अपने ध्यान शक्ति को विकसित करें ध्यान योग को विकसित करें तो हम अपने पिछले सारे जन्मों को जान सकते हैं लेकिन सारे जन्मों को जानने का क्या उद्देश्य उससे क्या हो जाएगा कुछ हो जाएगा क्या कुछ भी होने वाला तो नहीं है बस आपको पता चलेगा कि हम बहुत जन्मों से फंसे हुए हैं इस माया में आपको थोड़ी सी समझ ये आएगी कि हम बहुत जन्मों से फंसे हुए हैं इस माया में अनेक जन्मों से शायद फंसे हुए हैं माया में अनेक जन्मों से कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं किए जा रहे हैं और कई बार तो पिछले जन्मों के कई कर्मों को देख कर आपको अपने आप से ही घृणा हो सकती है कई बार आपको अपने पिछले जन्मों को देखकर अपने आप से ही घृणा हो सकती है ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने ही कर्मों से अपने ही कर्मों को देख कर शुरू हो जाए तो इसीलिए कोई बहुत इस बात का महत्व नहीं रह जाता कि आप अपने पिछले जन्म को जान लेंगे और जानकर क्या कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ा परिणाम इससे नहीं निकल जाएगा लेकिन फिर भी जानते हैं तो है बहुत कुछ आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत कुछ है पिछले जन्मों में बहुत कुछ है बहुत कुछ बुरा कुछ अच्छा भी लेकिन बहुत कुछ बुरा भी है ऐसा आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा तो बस इतना ही फिर आपकी अपनी खुद की इच्छा हो जाएगी कि देखना ही नहीं है इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है क्योंकि पीछे मिलेगा क्या क्या मिलेगा अगर इस जन्म में आप योग मार्ग पर चले हैं तो पिछले जन्म में या उसके पहले भी कौन सी चीजें प्राप्त होंगी क्या मिलेगा कुछ अच्छा कुछ बुरा बहुत कुछ दिखेगा बुरा दिखेगा तो आप दुखी हो जाओगे अच्छा दिखेगा तो खुश हो जाओगे चलो भाई मैंने पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए थे पूरा दिखा तो आपको लगेगा कि मैंने भी घृणित कर्म किए थे मैं भी बाकी लोगों के समान ही माया में लिप्त तो होकर पाप करने वाला व्यक्ति था ऐसा भी आपको दिख सकता है ठीक है तो ये ऐसी अनुभूतियां होती हैं अब मैं कैसे बता रहा हूं तो अनुभव से ही बता रहा हूं और कैसे बता रहा हूं हां लेकिन यह विषय व्यक्तिगत होता है तो इसलिए हां ध्यान योग में वो सामर्थ्य है कि अगर आप ध्यान योग करते हैं सही से तो निश्चय ही आप जान सकते हैं तो तनिक भी संशय नहीं है कि आप पिछले जन्मों को नहीं जान सकते जैसे विष्णु पितामा अपने पिछले कई जन्मों को जानते थे फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि पिछले सौ जन्मों में तो मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मुझे इन बाणों की शैया पर सोना पड़े लेकिन श्री कृष्ण भगवान उनको उसके पिछले जन्मों में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो तुमने ऐसे कर्म किए थे यहां तक कि इसलिए कर्म की सत्ता सबसे बड़ी है कोई आपको वरदान दे दे कोई आपको श्राप दे दे उन सबसे ऊपर कर्म की सत्ता है उन सबसे ऊपर कर्म की सत्ता है तो ये हमें विचार करना चाहिए तो ध्यान योग हमारे सामने कई रहस्यों को प्रकट करता है ध्यान रो ध्यान योग में तो वो शक्ति है कि वो पिछले रहस्यों को भी खोल सकता है और भविष्य में आने वाले रहस्यों को भी खोल सकता है ध्यान योग में वो शक्ति है अगर कोई व्यक्ति ध्यान योग का विकास कर लेकिन जो अब ये जो शक्तियां हैं कि पिछला भी जान जाए और भविष्य में जो होने वाला है वो भी समझ लें और वो भी जान जाए यह भी संभव है ध्यान योग के माध्यम से कि भविष्य वाली बात भी आदमी जान जाए पीछे की बात भी जान जाए लेकिन ध्यान रखिएगा जो परिपक्व योगी है वो सब जानते हुए भी मौन रहता है और वो जानने की ना कोशिश करता है क्योंकि जानना ही तो बंधन है संसार में बहुत कुछ जानना ही तो बंधन है मान लीजिए ध्यान योग करते करते आपके अंदर कुछ शक्ति विकसित हुई और आप भविष्य की बातें जान लेते हैं कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि वो घटना घटती है पता भी चलता है कि भविष्य में ऐसा होना है होता है परंतु आप देखेंगे जो योगी परिपक्व है वो इन सब चक्कर में पड़ते हुए आपको नजर नहीं आएंगे उनके पास ऐसी शक्ति होगी तो भी वो जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है मानसिक रोग पकड़ लेगा आपको ज्यादा भूत और भविष्य देखेंगे तो इसलिए वर्तमान में रहना योगी सब जानते हुए भी प्रकृति को स्वीकार करते हैं ऐसे कई योगी हुए जो सब जानते हुए भी वह प्रकृति को स्वीकार करते हैं कि हां प्रकृति ऐसे चलती है तो हमें उसको वैसे स्वीकार करना है दुख आता है दुखों को भी स्वीकार करते सुख आता है सुखों को भी स्वीकार करते हैं लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं आगे बढ़ते रहते हैं किसी के साथ अटैच नहीं होते किसी के साथ चिपकते नहीं हैं किसी के साथ मोह नहीं रखते हैं आगे बढ़ते रहते हैं इसीलिए हमें वास्तव में प्रकृति चाहती है कि हम आगे बढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें चरय व्यती चरय व्यती चलते रहें चलते रहें ना भूत के साथ चिपके ना भविष्य की चिंता करें और ना ध्यान योग का प्रयोग इन सब चीजों में करें हा हो सकता है कि भविष्य की बातें भी समझ में आने लगे, लेकिन फिर भी योगी जब आगे बढ़ जाता है योग मार्ग पर तो वो इन सब छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देता कि मुझे भविष्य की बात पता चल गई या मुझे भूत का पता चल गया हाँ कई बार वो अपने लोगों को कई लोगों को आगाह जरूर करते हैं कि भाई तुम्हारे भविष्य में ऐसा हो सकता है थोड़ा सावधान रहना सचेत जरूर कह सकते कर सकते हैं कि थोड़ा सा संभलो अगर इस रास्ते पर जाओगे तो दुखद भविष्य मिलने वाला है बाकी छोड़ दो अगर उसके प्रारब्ध में है तो कौन उसे रोक सकेगा जाएगा लेकिन फिर भी कहते हैं कि शक्ति होती है योगियों की अगर कोई उनकी बात मान ले और उनकी सेवा में आ जाए उनकी आज्ञा में आ जाए अब योगी कहिए या गुरु कहिए कि गुरु आज्ञा में आ जाए या योगियों की आज्ञा में आ जाए उनकी सेवा आज्ञा में आ जाए तो हो सकता है कि जो बहुत बड़ा कष्ट है वो कम हो जाए क्योंकि योगियों की शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर जब काम करने लग जाती है तो वो बहुत कुछ बदलने की शक्ति ले आती है यद्यपि योगी प्रकृति को वैसे ही चलने देते हैं जैसा चल रही है क्योंकि बिना प्रकृति के अंदर कोई भी बदलाव लाने के लिए प्रकृति के सिद्धांतों का ही सहारा लेना पड़ेगा तो कोई भी क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया तो जरूर आएगी और प्रतिक्रिया आएगी तो वह प्रतिक्रिया दुखमय भी हो सकती है दुखदायी भी हो सकती उस भावनात्मक जगत में वह इमोशनल प्लेन पर नहीं रहते हैं वह अपने स्पिरिचुअल प्लेन पर अपना जीवन जी रहे होते हैं तो संसार में सामान्य रूप से जीवन जीते हुए भी वो उस, उस संसार में नहीं रहते हैं उस कमल के फूल की भांति जो कीचड़ में रहते हुए भी अपने आप को कीचड़ से अलग रखता है ऊपर रखता है वैसे योगियों का जीवन बन जाता है भले ही उसकी जड़ें कीचड़ में है लेकिन फिर भी वो एक दूसरे प्लेन पर है कीचड़ के लेवल पे वो नहीं है कमल का फूल कीचड़ के लेवल पे नहीं रहता ऊपर रहता है हमेशा उस पानी के सतह से उस तालाब या पोखर या कीचड़ जो है उसकी सतह से हमेशा ऊपर खिलता है और शुद्ध रहता है उसमें रहते हुए भी तो योगियों का जीवन ऐसा होता है वो संसार में हर कार्य को करते हुए दिखते हुए भी उसमें लिप्त नहीं रहते हैं दिखते हुए भी कि वो साधारण जीवन जी रहे हैं फिर भी उनका जीवन असाधारण ही रहता है और वो बहुत कुछ जानने वाले भी होते हैं तो भूत भविष्य का भी ज्ञान रखते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को वर्तमान में स्थित रखते हैं तो इसीलिए प्रकृति चाहती है कि आप वर्तमान में स्थित रहें इसीलिए भूत को भुला देती है कि फेड कर दो मेमोरी आपकी मेमोरी फेड होती रहती है फेड होती रहती है यह एक प्राकृतिक क्रिया है एक नेचुरल फेनोमेनन है यह कि आपकी स्मृति जो है गहरी निद्रा में फेड हो जाती है और आप भूलते जाते हैं लेकिन अगर याद करने की कोशिश करें एकाग्रता का प्रयोग करें ध्यान का प्रयोग करें तो हम जान भी सकते हैं लेकिन जानकर भी बहुत कुछ प्राप्त तो नहीं होने वाला इसीलिए आगे बढ़ते रहना चाहिए आगे बढ़ते रहना चाहिए ठीक है ये है बाकी आप ध्यान योग की गहराई में उतर कर जानना चाहते हैं कि मेरा पूर्व जन्म कैसा था तो ध्यान योग कर सकते हैं ध्यान योग का कोर्स आज से शुरू हो गया आज बीस जून है आज से शुरू हो गया लेकिन अभी तेईस तारीख तक ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून तेईस तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं हां कोर्स शुरू हो चुका है जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनका शुरू हो चुका है अब हम क्यों कह रहे हैं कि तेईस तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं इसलिए कह रहे हैं तेईस तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही नुकसान होगा तीन दिन का वो कवर हो जाएगा वो हम कवर करवा देंगे आपका अगर आप बाद में भी ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो तेईस तो तारीख तक ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून तक आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स आप तेईस तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं और फिलोसफी दर्शन का भी कोर्स ये तीनों कोर्स आज शुरू हो गए जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको मिलना शुरू हो चुका है तो दर्शन का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दर्शन का भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं तो इसीलिए हमें यह बात अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं इन कोर्सेस का तो आप ज्वाइन अभी तेईस तीन दिन का और समय है कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका थोड़ा सा देर जरूर होगा लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं आप कवर कर लेंगे सारे कोर्सेस को तो ट्वेंटी थर्ड जून से ट्वेंटी थर्ड जून तक आप इन कोर्सेस को दर्शन प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान योग इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है और जीवन संबंधी समस्याओं को अगर ज्योतिष के माध्यम से कुछ जानना समझना सुलझाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते चलिए हम आगे बढ़ेंगे आपके कुछ कमेंट्स भी देखेंगे कौन क्या कहता है कन्हाई कुमार जी बहुत अभिनंदन है खिम सुनार जी अजीत अपराजित जी नरेंद्र माकोडे जी जगत नारायण जी राजू पाल, अर्जन भाई चौहान संतोष कुमार अबनी प्रधान जी शेखर शेखर चित्रंजन बरुआ कमलेश खैरनर गोविंद प्रसाद नीमा संतोष गुप्ता विनोद कुमार सूद जी श्वेता राय सिन्हा जी योगेश खैरनर जी किशोर वैद्य विनोद कुमार शर्मा नूतन भट्ट माधुरी कोले जी धन्यवाद भारत धन्यवाद भारत राम निवास मीना यादव बहुत अभिनंदन है धन्यवाद भारत है मेरे भगवान आपको कोटि कोटि प्रणाम आचार्य जी हैं मूल्य रत्न देने वाले ठीक है अभिनंदन है भरत छबलानी जी राम विलास जी धन्यवाद भारत राकेश मराठे रूपलाल विश्वकर्मा रतन सिंह ए के त्यागी उषा श्रीवास्तव जी बहुत अभिनंदन है घनश्याम सरोदे जी आदर्श सिंह जी कट उपनिषद में दिया गया है कि शरीर रथ और आत्मा रथी है और अष्टावक्र गीता में दिया गया है आत्मा एक है इसका मतलब कि एक आत्मा के सब शरीर हैं और आत्मा के कारण ही प्रकृति अलग अलग रूप ले रही है जी हाँ जो अष्टावक्र महागीता है वह अद्वैत सिद्धांत पे आधारित है अद्वैत का प्रारंभ ही मान लीजिए वहां से होता है अद्वैत का प्रथम ग्रंथ जिसमें कि अद्वैत की विशद व्याख्या विशाल व्याख्या हमें प्राप्त हो तो वहां से हमें प्राप्त हो होता है ठीक है तो आत्मा रथी है निश्चय ही आत्मा रथी है आत्मा दृष्टा भी है रथी होने के साथ और आत्मा यह उपनिषद वाक्य है उपनिषद वाक्य में अयमात्मा ब्रह्म भी है कि आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा एक है और आत्मा ही सब कुछ है आत्मा के कारण ही प्रकृति अलग अलग रूप ले रही है आत्मा के कारण प्रकृति अलग अलग रूप रही है आत्मा का विवर्त है इसे विवर्त बताया गया है ठीक है इसे विवर्त बताया गया है बाकी प्रकृति का जो अस्तित्व है वो इंद्रियों में है मैं कई बार बोल चुका हूं माया का अस्तित्व इंद्रियों में है आप इंद्रियों के परे चले जाओ ना कोई प्रकृति है ना कोई माया है सिर्फ और सिर्फ आत्मा है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है जब तक आप इंद्रिय जगत में हो आंखों से देख रहे हो कानों से सुन रहे हो त्वचा से अन महसूस कर रहे हो और ये सारा डाटा मन में जा रहा है प्रोसेस हो रहा है इमोशंस क्रिएट कर रहा है भावनाएं क्रिएट कर रहा है किसी के साथ अटैचमेंट किसी के साथ डिटैचमेंट किसी से मोह किसी से घृणा किसी से ईर्ष्या किसी से राग किसी से द्वेष पैदा हो रहा है ये सारा इंद्रियों और अंतकरण का खेल है अगर आप इससे बाहर निकल गए यही भाव सागर से बाहर निकलना है अगर आप इंद्रियों के जगत से बाहर निकल गए क्योंकि तो अंतःकरण का खेल इंद्रियों पर निर्भर है उससे बाहर निकल गए ना कोई प्रकृति है ना कोई माया है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है सिर्फ और सिर्फ आत्मा है और कुछ भी नहीं है तो सच पूछो जो गोस्वामी तु, स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं गो गोचर जहां लगमन जायी हो तो सब माया जान हो भाई जहां जहां तक इंद्रियां जाती हैं वहां वहां तक सिर्फ माया ही है वास्तव में चीजें वो नहीं है जैसी हमें दिखाई देती हैं वास्तव में ये हमारी इंद्रिया ही प्रकट करती हैं और साइंटिफिकली भी ये बातें प्रूव होती हैं बायोलॉजी पढ़िए थोड़ा सा उसमें कई चीजें हमें मिलेंगी कई जीवों की अलग अलग आंखें होती हैं उनके दृश्य भी अलग अलग बनते हैं इमेज फॉर्मेशन अलग होता है कुछ जीव हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट करते हैं और उससे इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं और बड़ा परफेक्ट इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं चमगादड़ आपके कमरे में घुस जाए इधर से उधर उड़ेगा लेकिन आपसे टकराएगा नहीं अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट करेगा इमेज फॉर्मेशन करेगा और आगे बढ़ेगा तो कई जीव हैं जो अलग अलग तरीके से वर्ल्ड को परसीव करते हैं उनके परसेप्शन अलग अलग हैं इंद्रियों के कारण इंद्रिया इंद्रियों में अलग अलग गुण होने के कारण हम जिह्वा से स्वाद लेते हैं हम जिहवा से स्वाद लेते हैं क्योंकि हमारे जिहवा में टेस्ट बर्ड्स हैं ठीक हम जीवा से स्वाद लेते हैं क्योंकि हमारे जिहवा में क्या है टेस्ट बर्ड्स हैं तो इंद्रियां इस माया को दिखाती हैं इंद्रियों के कारण हम माया को देख पाते हैं तो इंद्रियां हमें माया दिखाती हैं और हमें बताती है, ये खाना स्वादिष्ट है ये मिठाई बहुत टेस्टी है ये भोजन बड़ा स्वादिष्ट है स्वादिष्ट बना स्वा, भोजन के अंदर कोई स्वाद है ही नहीं जिहवा स्वाद पैदा करती है जिहवा में जो जो स्वाद लेने की क्षमता है छह प्रकार के रस छह प्रकार का स्वाद आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि हमारी जिहवा ले सकती है सातवां नहीं मिलेगा आपको क्योंकि तो आपके जिहवा में उतना ही स्वाद लेने की क्षमता है तो यह प्रकृति का साम्राज्य इंद्रिय जगत में है त्रिगुणी माया इसी को बोलते हैं यही त्रिगुणी प्रकृति है आत्मा इसका दृष्टा बनता है लेकिन जब वो दृष्टा भाव त्यागता है तो अपने आप में स्थित हो जाता है दृश्य -द्रश्ट का विच्छेद हो जाता है और दृश्य -द्रश्ट का विच्छेद होना ही मुक्ति है कैवल्य है दृश्य का बंधन ही वास्तव में बंधन है कल दिवस है महर्षि पतंजलि ने यही परिभाषाएं दी हैं कि दृश्य का बंधन ही बंधन है और जहां दृष्टा ने दृश्य को देखना बंद किया वहां दृष्टा अपने आप में लीन हो गया वो अपने स्वरूप में जाके स्थित हो गया उसे संसार नहीं देखना अब तो वह दृष्टा ही रथी है वही सब कुछ चलाने वाला है और महा महागीता यह संपूर्ण प्रकृति उसका विवर्त है क्योंकि वही तो दृष्टा बना हुआ है अगर वो अपना दृष्टा भाव त्याग दे तो सब खत्म हो जाएगा अर्थात सब लीन हो जाएगा लय हो जाएगा सब कुछ चलिए आशा रानी जी बहुत अभिनंदन है आपका सोनी पंडित जी ईशा जी आदर्श सिंह जी क्या आपने ध्यान योग से अपने पिछले जन्म को जाना जी हाँ कुछ जाना है फिर जानने की इच्छा खत्म हो गई जैसे ही कुछ जाने ताकि रहने तो बेकार है पीछे की चीजें देखना कभी बता रहे हैं लेकिन क्या जाना है ये कोई मतलब नहीं है यहां बताने का वो आपका व्यक्तिगत विषय भी नहीं है किसी के लिए लेकिन कुछ ज्यादा जानकर कुछ करना क्या है कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है बहुत सारी चीजें हैं श्वेता कुमारी जी अमन जी पलकधारी राजभर रामविलास जी अगर हम इस जन्म में ध्यान योग साधना कर रहे हैं तो पिछले जन्म का अच्छे कर्म संस्कार रहा होगा अगर अच्छे से कर पा रहे हैं तो निश्चय ही साधना संपत्ति होगी तभी तो अच्छे से हो पाएगा बिल्कुल सही बात है हीरा लाल यादव जी कुछ ना कुछ पुण्य होगा तभी मिल पा रहा है ये सब हीरा लाल यादव कब आदर्श सिंह जी कभी कभी लगता है सब इंद्रियों का खेल है जी हाँ संसार में सब इंद्रियों का ही खेल है शालिनी चौहान जी प्रभु लाइव शरीर से निकलकर अपने ही शरीर को देखना कौन सी दशा होती है जी हां यह भी एक स्थिति होती है कई बार ऐसा होता है कई बार ध्यान योग जो करते हैं उनके साथ ऐसा हो पाना बहुत स्वाभाविक है हो सकता है उनके साथ आसानी से लेकिन जो ध्यान योग नहीं करते कई बार उनको भी निद्रा की अवस्था में या कई बार वो अवचेतन अवस्था में चले जाते हैं और ऐसी घटना घट जाती है कि वो अपने ही आंखों से अपने ही शरीर को देख रहे होते कई बार अस्पताल में कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं तो वो भी ऐसी बातें बतलाते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ था तो मैं अपने शरीर को ही देख रहा था बाहर निकलकर ऐसा भी होता है और कई बार हॉस्पिटल में नहीं सामान्य रूप से भी हो जाता है आपके साथ कैसे हुआ है यह आपका व्यक्तिगत थोड़ा प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर बताएं कर कि आपके साथ क्या हुआ था ऐसी कौन सी घटना घटी थी जो आप बताना चाहती हैं शालिनी चौहान जी ठीक है आदर्श सिंह आपने कहा कि इंद्रियां दिखा सुना रही हैं, तो क्या मेरे मरते ही सारा संसार खत्म हो जाएगा इंद्रियां किसका अंग हैं? इंद्रियां किसका अंग हैं? आदर्श जी क्या आप मुझे सुनते हैं तो जो मैंने सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर और कारण शरीर पर बोला है पिछले वीडियोस में मेरे व्याख्यान है सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर और कारण शरीर पर उसके अंदर विवेक चुड़ामि में आदि गुरु शंकराचार्य स्थूल शरीर के बारे में क्या बोलते हैं स्थूल शरीर किससे बना है तो बोलते हैं कि स्थूल शरीर अस्थियां मांस मज्जा रक्त इन सब चीजों से छह चीजें लगभग बताई हैं इन सब चीजों से क्या बना है स्थूल देह बना है और सूक्ष्म देह किससे बना है सूक्ष्म शरीर किससे बना है सूक्ष्म शरीर बना है पांच ज्ञान पांच कर्म चार अंतकरण कर्म माया और काम ऐसे करके आठ बताए गए हैं जिनको पुरियष्टक कहते हैं इनसे सूक्ष्म शरीर बना है तो जब मृत्यु होगी तो कौन खत्म होगा स्थूल शरीर खत्म होगा जो अस्थि मज्जा मांस रक्त इससे जो बना हुआ स्थूल शरीर है वो खत्म होगा और सूक्ष्म शरीर में क्या है ज्ञान इंद्रिया कहां पर हैं कर्म इंद्रिया कहां पर हैं सूक्ष्म शरीर में हैं इसीलिए स्थूल शरीर में कर्म होता है सूक्ष्म शरीर में कर्म होता है लेकिन कारण शरीर में कर्म नहीं होता कारण शरीर में कर्म और संस्कार है इंद्रिया नहीं है जीव कर्म दो अवस्थाओं में करता है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर तो जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपका सूक्ष्म शरीर नहीं मरने वाला आपका स्थूल शरीर ही मात्र मरेगा और जब सूक्ष्म शरीर नहीं मरेगा तो इंद्रियां क्यों खत्म होंगी इंद्रियां रहेंगी लेकिन माध्यम बदल जाएगा उनका स्थूल देह एक माध्यम था अब सूक्ष्म शरीर मात्र माध्यम रहेगा स्थूल देह में दो माध्यम है स्थूल देह भी माध्यम है और सूक्ष्म शरीर भी माध्यम है जैसे कि हम स्वप्न आदि भी देखते हैं ठीक तो जो सूक्ष्म शरीर है वह रहेगा और उसमें इंद्रियां रहेंगी पिछला जन्म में हम क्या थे कैसे जान सकते हैं ध्यान योग का कोर्स करिए पिछला जन्म में हम क्या थे और कैसे जान सकते हैं आप ध्यान योग का कोर्स कीजिए और फिर ध्यान योग का नियमित अभ्यास कीजिए आप अपनी इच्छा मात्र से जान लेंगे कि क्या थे और कैसे जान सकते हैं इच्छा मात्र से संभव होगा माता पिता से स्थूल मिलता है तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कहां से मिलता है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर सूक्ष्म तत्वों से मिलता है हिरण्य गर्भ में सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है हिरण्य गर्भ में जीव निर्मित होता है जो बाद में स्थूल देह धारण करता है उसे हिरण्य गर्भ कहते हैं ब्रह्मा का लोक कहते हैं ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो सूक्ष्म सृष्टि है स्थूल सृष्टि नहीं है वहां सूक्ष्म शरीर बनता है ठीक तो सूक्ष्म तत्वों से सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत रूप में सूक्ष्म शरीर बनता है और पंचीकृत होकर स्थूल तत्वों का निर्माण होता है और स्थूल देह बनता है ठीक इसलिए थोड़ा सा उस तत्वों को हमें जानना पड़ता है सूक्ष्म शरीर को समझने के लिए चलिए तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को विराम की ओर ले जाएंगे कल फिर मिलेंगे 9 पीएम लाइव चर्चा में जो लोग ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कुछ महानुभाव कहते हैं कि ध्यान योग से जान सकते हैं बिल्कुल जान सकते हैं तो ध्यान योग करना तो पड़ेगा तो 23 तारीख तक 23rd June, 23 थर्ड ऑफ जून 23 तारीख तक आप यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं चाहे ध्यान हो गो याग हो प्राकृतिक चिकित्सा हो या दर्शन हो तेईस तारीख तक आप जान सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं इन कोर्सेस को ठीक तो ये हम इसको समझे आत्मा ही प्रकृति बनता है आत्मा प्रकृति बनता नहीं आत्मा जो है वो आत्मा है आपको प्रकृति का अनुभव सिर्फ इंद्रियों में हो रहा है इंद्रियों से परेगा तो पता चलेगा सब कुछ ब्रह्म है सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है जगत ब्रह्म जीव ब्रह्म सब ब्रह्म ये ऐसा विषय है कि मात्र प्रश्नों से इसका उत्तर नहीं मिलने वाला ठीक है महानुभाव ध्यान की गहराई में उतरना पड़ेगा अपनी चेतना का लेवल उठाना पड़ेगा तो ज्ञान का लेवल बढ़ जाएगा ज्ञान होता क्यों है कॉन्शियसनेस से होता है तो जैसे ही ज्ञान का स्तर बढ़ेगा तो अपने आप ये रहस्य प्रकट होंगे नहीं तो प्रश्नों से सिर्फ शब्द ही मिलेंगे आप प्रश्न करोगे शब्दों में उत्तर मिलेगा शब्दों में और उसमें कन्फ्यूजन रहेगा आपको तो बिना प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी बिना प्रयोगात्मक अध्यात्म बिना ध्यान की गहराई बिना अभ्यास के यह विषय नहीं होगा कि आत्मा प्रकृति कैसे बन गया ठीक वास्तव में बना ही नहीं है वो तभी तो प्रकृति को माया कहा जा रहा है तभी तो भ्रम कहा जा रहा है कि आपको सत्य नहीं दिखाई दे रहा आपको रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है आप जो ये प्रकृति देख रहे हो और इसे सत्य समझ रहे हो वास्तव में ये रस्सी में सर्प की अनुभूति के समान है आप तो सत्य को देख ही नहीं रहे हो आप तो भ्रम को देख रहे हो भ्रम जाल को आप सत्य मानकर बैठे हुए हो इंद्रियों के माध्यम से देखकर यहां पे बात अट, बात अटकी हुई अब भ्रम को कैसे दूर करें चेतना जब विकसित होगी चेतना का प्रकाश जब विकसित होगा ना लाइट जब बढ़ेगी ना तो पता चलेगा अरे भाई सांप नहीं है तो रस्सी है वैसे ही जब कॉन्शियसनेस जब डेवलप होती है इवॉल्व होता है हमारी कॉन्शियसनेस तो धीरे धीरे रहस्य प्रकट होते हैं और वो बिना अभ्यास के होंगे नहीं बिना ध्यान योग के अभ्यास के बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा महर्षि पतंजलि ने कहा भगवान ने कहा अभ्यास न तू कौन थे वैराग्य न चृहते श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ठीक है तो आत्मा प्रकृति बनता है नहीं बनता है इसको समझने के लिए अपनी चेतना को थोड़ा विकसित और चेतना को समझिए लाइट जैसे कि रस्सी में सांप दिख रहा है लाइट जला दोगे तो पता चलेगा नहीं रस्सी है वैसे ही चीजें सामने आएंगी यही गोस्वामी तुलसीदास तो जी कहते हैं कि विधि आश्रित रही यद्यपि असत्य देत दुख आही जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर ना हुई संसार का दुख कैसा है जैसे स्वप्न में कोई सिर काट रहा हो लेकिन उपाय क्या है भाई निद्रा से उठो जैसे ही उठ जाओगे पता चलेगा ये तो सपना था जागना पड़ेगा अपनी चेतना को जागृत करना पड़ेगा तो समझ में आएगी बात पूरी तरह से ठीक है चलिए तो बहुत बहुत आभार आप सभी का सभी को ओम तत्सत और ध्यान योग का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करिए और उसका लाभ उठाइए ओम तत्सत सभी को